हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आई क्यू। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 89। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके सो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, डीएस के क्वेश्चन है, तो बनाते हैं इसको, देखिए। सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसमें बोला कि 8 पर्सन जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं आर लिविंग इन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग। ओके वो क्या रहते हैं, अलग अलग फ्लोर्स पर रहते हैं। लोएस्ट फ्लोर इज़ नंबर्ड 1 एंड अबव फ्रॉम फ्लोर नंबर 1 इज़ फ्लोर 2 एंड सो ऑन। ओके उसने बोला कि 8 लोग रहते हैं, ठीक है, जो ग्राउंड फ्लोर है उसको हम नंबर 1 बोलते हैं, उसके बाद फिर नंबर 2 एंड नंबर 3 इस तरीके से हैं, ठीक। हमें बताना है कि कौन रहता है फ्लोर नंबर 4 पर, क्लियर है। तो अगर मैं स्टेटमेंट 1 की बात करूँ, स्टेटमेंट 1 में क्या गिवन है, उसने बोला है कि पी लिव्स ऑन इवन नंबर ऑफ फ्लोर। ओके तो ये काम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले फ्लोरिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। पी कहाँ पर रहता है, इवन नंबर पर, मतलब पी कहाँ रह सकता है, 2, 4, 6 एंड 8, लेकिन उसने मना करा हुआ है क्या, बट नॉट ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, तो 8 पर नहीं हो सकता। फर्स्ट से हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। एंड देन 2 पर्सन आर लिविंग बिटवीन एफ एंड एच। ओके और 2 लोग हैं किसके बीच में, एफ और एच के बीच में, ठीक है, मतलब ये पॉसिबिलिटी और ये पॉसिबिलिटी इसकी हो सकती है। तो सिर्फ यहाँ से तो मैं ये चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ कि आपके पास फोर्थ फ्लोर पर कौन रहेगा, ठीक है। सेकंड से देखते हैं, देखिए सेकंड में क्या गिवन है, उसने बोला है कि क्यू लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट इन दी बॉटम मोस्ट फ्लोर। ओके क्यू कहाँ पर रहता है, वो रहता है ऑड नंबर्ड फ्लोर पर, मतलब 1 पर 3 पर 5 पर और 7 पर रह सकता है, लेकिन उसने बॉटम मोस्ट की मना करा हुआ है, इसका मतलब 1 नहीं हो सकता। उसके बाद 2 पर्सन आर लिविंग बिटवीन सी एंड आई। ओके और 2 लोग हैं सी और आई के बीच में, तो इसकी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है या फिर इसकी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ से भी मैं ये चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ आपके पास कि फोर्थ पर कौन है, ठीक है। तो ये काम करते हैं, थर्ड को देखते हैं, देखिए थर्ड में क्या गिवन है, उसने बोला है ओनली 1 पर्सन इज़ लिविंग अबव जी। ओके जी के अबव सिर्फ 1 पर्सन रहता है, ठीक है। उसके बाद जी इज़ रैंक, वॉट जी इज़ रैंक फ्रॉम अपर साइड इज़ अ सेम इज़ रैंक फ्रॉम द बॉटम। ओके उसने बोला कि जी की रैंक जो ऊपर से वही ई की रैंक है, कहाँ से, बॉटम से, मतलब क्या ई के नीचे सिर्फ 1 पर्सन होगा। उसके बाद एफ एंड एच लिव इन दी अबव फ्लोर देन क्यू। ओके और एफ और एच कहाँ पर रहते हैं, वो क्यू से अबव फ्लोर पर रहते हैं, ठीक है। उसने हमें ये इन्फॉर्मेशन और दी है। सो अगर मैं बात करूँ सिर्फ थर्ड से, क्या मैं ये चीज़ फाइंड आउट कर सकता हूँ कि फोर्थ पर कौन रहेगा, नहीं, आप सिर्फ थर्ड से भी ये चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो एक काम करते हैं हम, क्या कि थर्ड स्टेटमेंट को पहले यूज़ करते हैं, ठीक, मतलब कि आपके पास जी यहाँ पर आएगा, फाइन, ई आपके पास यहाँ पर आएगा, और अगर मैं बात करूँ एफ़ और एच की, तो वो क्यू के ऊपर है, अभी हमें नहीं पता है वो कहाँ पर होंगे, ठीक। अब अगर इसमें मैं फर्स्ट स्टेटमेंट को भी जोड़ता हूँ, इन दैट केस देखिए एक चीज़ हम जानते हैं, क्या क्यू के ऊपर आपके पास एफ़ और एच है, और एफ़ और एच के बीच में 2 पर्सन है, ठीक है। इसका मतलब क्या, एक चीज़ तो कन्फर्म है, आपके पास एफ़ और एच में से कोई भी यहाँ पर नहीं आ सकता, ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी वो आ नहीं सकता है। यहाँ पर अगर मैं पुट करता हूँ एक को, तो 1, 2 छोड़कर दूसरा आएगा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर कोई नहीं आ सकता, क्योंकि आपके पास जी यहाँ पर 7th पर क्या आ जाएगा, जी हो जाएगा, यहाँ पर आप पुट नहीं करा सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 1 को यहाँ पर पुट करता हूँ, तो इन दैट केस यहाँ पर, तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास बन रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सेकेंड को भी यूज़ कर लेता हूँ, तो उसने सेकेंड में हमसे क्या बोला था कि क्यू कहाँ पर है, वो फर्स्ट को छोड़कर बाकी किसी भी ऑड नंबर पर हो सकता है, मतलब क्या मिनिमम वो किस पर होगा, वो 3 पर होगा। अगर मिनिमम वो 3 पर होगा, इन दैट केस क्यू आएगा यहाँ पर। फिर अगर मैं पुट करना चाहता हूँ किसको, एफ और एच को, आपके पास वो कहाँ आ सकते हैं, उसके लिए सिर्फ 1 पोजीशन बची, यहाँ और यहाँ पर, एफ और एच, ठीक है, या तो एफ आएगा या फिर एच, सिमिलरली एफ यहाँ पर आएगा या फिर एच आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ किसकी, सी और आई की, तो देखिए सी और आई आपके पास कहाँ आ सकते हैं, उनके लिए सिर्फ 1 पोजीशन बची है, या तो इन दोनों में से कोई 1 पर्सन यहाँ पर आएगा, या तो 1 पर्सन को यहाँ पर आएगा, और कहीं आ नहीं सकते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखूँ, तो आपके पास फोर्थ पर कौन होगा, सी होगा या फिर आई होगा, ये चीज़ तो मैं कंफर्म नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मैं तीनों को जोड़कर भी ये चीज़ फाइंड आउट नहीं कर पाऊँगा कि आपके पास फोर्थ पर कौन आएगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल 3 आर नॉट सफिशियंट। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये दिया हुआ है, तो इसको भी कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में क्या बोला है हमसे, उसने कि पी क्यू आर एस टी यू वी आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग दी नॉर्थ। ओके उसने बोला कि ये कितने लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7% है जो कि कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, सच दैट देर इज़ एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द एडजेसेंट मेंबर। ओके, हर एक एडजेसेंट मेंबर के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। हु स्टैंड्स एग्जैक्टली मिडल ऑफ द रो, एग्जैक्टली मिडल ऑफ द रो कौन है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। सो अगर हम इसको बनाते हैं, टोटल मेंबर्स कितने हैं आपके पास, 7 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, अगर हम फर्स्ट से बात करते हैं, उसने क्या बताया हमें कि पी स्टैंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू एंड क्यू स्टैंड सेकेंड टू द राइट ऑफ वी। ओके, पी कहाँ पर है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, और क्यू कहाँ पर है, सेकेंड टू द राइट ऑफ वी। उसके बाद एस नॉट स्टैंड्स इन कॉर्नर, ओके, एट कॉर्नर, उसने बोला कि एस कॉर्नर पर नहीं है, इसका मतलब एस आपका कॉर्नर पर नहीं आ सकता है। ठीक है, सो सिर्फ अगर मैं यहाँ से बात करूँ, आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं क्या कि मिडिल पर कौन होगा, नहीं, सिर्फ फर्स्ट से मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं सेकंड को देखता हूँ तो उसने कहा कि वी स्टैंड्स इमीडिएट राइट ऑफ टी, वी कहाँ पर है, इमीडिएट राइट ऑफ टी है, ठीक है, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, और वी कहाँ पर है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, मतलब क्या, एक दो छोड़कर यू होगा यहाँ पर। ठीक है, सो अगर मैं सिर्फ सेकंड से बात करूँ, इससे भी मैं कुछ ज़्यादा फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। थर्ड को जोड़ते हैं, देखिए थर्ड में उसने क्या बोला हमसे कि पी इज़ नॉट ए नेबर ऑफ एस एंड टी। ओके, पी नेबर नहीं है किसका, एस और टी का। ठीक है, उसके बाद क्यू इज़ ऑल्सो नॉट अ नेबर ऑफ एस एंड टी, और क्यू भी एस और टी का नेबर नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ थर्ड से भी मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को जोड़ता हूँ, इन दैट केस देखिए आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पर जोड़ता हूँ, इन दैट केस पी आ जाएगा यहाँ पर, फिर इसको यहाँ पर जोड़ता हूँ, इन दैट केस क्यू हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब अगर मैं इसको पुट करना चाहता हूँ तो मैं इसको कहाँ पर पुट कर सकता हूँ, आपके पास देखिए सबसे पहले अगर मैं इन केस यू को यहाँ पर पुट करता हूँ तो क्यू आएगा यहाँ पर, पी यहाँ पर, वी यहाँ पर और टी यहाँ पर आएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास बचा क्या, पी बचा है और आर बचा है, सॉरी एस बचा है और आर बचा है ना। अब उसने बोला कि एस आपके पास कॉर्नर पर तो हो नहीं सकता है। ठीक है, उसने यहाँ पर क्या बोला, एस आपके पास कॉर्नर पर हो नहीं सकता है, इसका मतलब क्या है, आप आर को यहाँ पर पुट कराएंगे और एस को यहाँ पर पुट कराएंगे। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये हो गई। अगर मैं दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करता हूँ, अगर आप इन केस यू को यहाँ पर पुट करते हैं, इन दैट केस आपके पास ये सारी पोजीशंस बच जाएंगी, सिर्फ ये पोजीशन रह जाएगी और ये पोजीशन रह जाएगी, किसके लिए, एस और आर के लिए। लेकिन एस आपके पास एंड पर हो नहीं सकता, लेकिन इस कंडीशन के हिसाब से एस आपके पास कहाँ होगा, एंड पर होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो आप यू को यहाँ पर अगर पुट कराते हैं तो क्यू होगा यहाँ पर, उसके बाद पी होगा यहाँ पर, वी यहाँ पर, टी यहाँ पर, ठीक है, ये बनेगा। फिर अगर मैं आर और एस को पुट करना चाहता हूँ तो आर आएगा यहाँ पर, एस आएगा यहाँ पर, ये पोजीशन भी आपके पास क्या सेटिस्फाई करा रही है, मतलब क्या, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड से जोड़ता हूँ, इन दैट केस मैं कंफर्म नहीं बता पाऊंगा ना कि आपके पास सेंटर पर कौन बैठेगा, वी और क्यू में से। ठीक, तो फर्स्ट और सेकंड से तो नहीं पता कर पाएंगे, लेकिन अगर मैं थर्ड को यूज़ करता हूँ, इन दैट केस उसने हमसे क्या बोला कि पी ना ही एस के पास है और ना ही वो टी के पास है। अगर मैं इसमें देखता हूँ, देखिए पी ना ही एस के पास है ना ही टी के पास है, इसका मतलब ये ट्रू है। इसमें भी अगर मैं देखता हूँ तो देखिए पी ना ही एस के पास है ना ही टी के पास है, इसका मतलब ये भी ट्रू है। ठीक है, फिर Q ना ही S के पास है ना ही T के पास है, इसमें अगर मैं देखता हूँ तो Q ना ही S के पास है ना ही T के पास है, ये भी आपके पास क्या है, ट्रू है। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो Q ना ही S के पास है ना ही T के पास है, इसका मतलब ये क्या है, ये भी आपके पास ट्रू है। तो यहाँ से अगर मैं दोनों को ही देखता हूँ ना, आपको क्या पता चल रहा है कि दोनों ही आपके पास कंडीशंस क्या हो रही है, सारी सारी सेटिस्फाई कर रही है, मतलब क्या, आप पता नहीं कर सकते हैं कि मिड पर कौन बैठेगा। सो फर्स्ट और सेकेंड दोनों से यूज़ करके मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक और डीएस का क्वेश्चन है। देखिए उसने क्या बोला है कि 8 फ्रेंड्स जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं आर सिटिंग इन अ सर्किल, सम ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड एंड सम आर फेसिंग इनसाइड। ओके, उसने बोला कि 8 लोग हैं, ठीक है, जो कि एक सर्किल में बैठे हुए हैं, उसमें से कुछ लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं और कुछ लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, हमें बताना है क्या, हु इज़ सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। ओके, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू कौन है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए आपके पास टोटल मेंबर्स कितने, 8 है ना। फर्स्ट पढ़ते हैं, उसने बोला कि एस एंड टी सिट्स ऑपोजिट टू इच अदर, एस और टी एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, इमीडिएट नेबर ऑफ एस आर क्यू एंड वी। ओके, जो इमीडिएट नेबर है एस का वो कौन है, क्यू और वी है, मतलब क्या, क्यू आ जाएगा यहाँ पर, वी आ जाएगा यहाँ पर। अगर मैं इसकी एक और पॉसिबिलिटी बनाना चाहूँ,
एस टी यहाँ पर, क्यू आ जाएगा यहाँ पर, वी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि क्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी, क्यू कहाँ पर थर्ड टू द राइट ऑफ टी है, मतलब क्या इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से टी कहाँ देख रहा होगा अंदर की तरफ, तभी तो उसके थर्ड टू द राइट कौन है, क्यू है, और इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से टी देख रहा होगा बाहर की तरफ, ठीक है। उसके बाद बोथ नेबर्स ऑफ टी आर फेसिंग आउटसाइड, ओके दोनों जो नेबर हैं टी के वो आउटसाइड देख रहे हैं, ठीक है फाइन। आपको सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन की है ना, यहाँ से अगर मैं देखूँ कि क्यू के थर्ड टू द लेफ्ट कौन है, क्यू के थर्ड टू द लेफ्ट, हमें क्यू की पोजीशन नहीं बताया ना, मतलब वो किस डायरेक्शन में देख रहा है, तो इस वजह से मैं कंफर्म तो कुछ बता नहीं सकता यहाँ पर, तो फर्स्ट से तो क्लियर नहीं होगा। सेकंड से देखते हैं, देखिए सेकंड में उसने क्या बोला हमें, उसने बोला कि टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, ओके तो आठ लोग हैं ना आपके पास, टी का पर थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, अगर क्यू यहाँ पर है वो अगर सेंटर की तरफ देख रहा है, इन दैट केस आपके पास टी हो जाएगा थर्ड टू द लेफ्ट, सॉरी थर्ड टू द राइट है ना, यहाँ पर आ जाएगा टी, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी अगर मैं बनाना चाहूँ तो, अगर क्यू बाहर की तरफ देख रहा है इन दैट केस टी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। उसके बाद क्यू के बाद उसने कहा कि हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ वी, क्यू कहाँ पर है, सेकेंड टू द राइट ऑफ वी है, इसकी दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, अगर वी आपके पास यहाँ पर है तो इसका सेकेंड टू द राइट हो जाएगा ये, अगर वी यहाँ पर है तो सेकेंड टू द राइट हो जाएगा ये। एक और पॉसिबिलिटी अगर मैं इसकी बनाना चाहूँ तो, टी यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है अंदर की तरफ देख रहा है, वी आपके पास यहाँ आ जाएगा, अगर वी यहाँ पर देख रहा होगा तो इसका सेकेंड टू द राइट है ना, मतलब ये अंदर की तरफ देख रहा होगा। इसकी अगर एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनाता हूँ तो, टी यहाँ पर, ठीक है, और क्यू यहाँ पर हो जाएगा, अब अगर मैं वी को यहाँ पर पुट करता हूँ तो इन दैट केस देखिए ये भी कहाँ देख रहा होगा, अंदर की तरफ, सेकेंड टू द राइट क्या है आपके पास, क्यू है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि वी के बाद अब उसने बोला कि हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, वी कहाँ पर है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, यहाँ पर तो आपके सिर्फ एक पोजीशन बची, डब्ल्यू आएगा यहाँ पर, और अगर इसके इमीडिएट लेफ्ट में मतलब ये बाहर की तरफ देख रहा होगा, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपके पास डब्ल्यू यहाँ भी आ सकता है और डब्ल्यू यहाँ भी आ सकता है, तो इसमें पॉसिबिलिटी बन जाएगी हमारे पास, लेकिन यहाँ पर बात करूँ तो डब्ल्यू आपके सिर्फ यहीं पर आ सकता है, और अगर इसके इमीडिएट लेफ्ट में इसका वाला ये अंदर की तरफ देख रहा होगा, यहाँ पर बात करूँ तो डब्ल्यू यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि डब्ल्यू हु सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ यू, डब्ल्यू कहाँ पर है, फोर्थ टू द राइट ऑफ यू, आठ मेंबर्स हैं, अगर फोर्थ टू द राइट या फोर्थ टू द लेफ्ट बोला इसका वाला क्या होता है, वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो आपके पास डब्ल्यू के ऑपोजिट क्या होगा, यू होगा, डब्ल्यू के ऑपोजिट क्या होगा, यू होगा, ठीक है। अगर डब्ल्यू के ऑपोजिट यू है इसका मतलब एक चीज़ कन्फर्म है, आपके पास यहाँ पर डब्ल्यू नहीं आ सकता, तो डब्ल्यू कहाँ आएगा, यहीं पर आएगा, और यहाँ क्या होगा, यू। सिमिलरली डब्ल्यू आपके पास यहाँ पर आएगा और यहाँ पर होगा यू, ठीक है, और डब्ल्यू के लेफ्ट साइड में था ना वी, मतलब क्या ये देख रहा होगा यहाँ, ये देख रहा होगा अंदर की तरफ, ठीक है। तो इसकी ये चार पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। उसके बाद उसने बोला कि एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर, एस कहाँ पर, थर्ड टू द राइट ऑफ आर, सो देखिए इसके लिए आपके पास ये पोजीशन बची है, ये पोजीशन बची है, यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन हम जानते नहीं है कि आपके पास आर कहाँ देख रहा है, तो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। बट यू हैव टू फाइंड क्या कि हु इज़ सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से क्या आपके पास यू है, इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से क्या आपके पास डब्ल्यू है, इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से डब्ल्यू है, इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से आपके पास क्या है यू है, तो मतलब यहाँ पर भी आपके पास पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। और अगर मैं एस और आर को पुट करने जाता हूँ, इन दैट केस ऑल्सो एस और आर आपके पास यहाँ पर कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अगर देखूँ तो इधर पोजीशन खाली है, इधर पोजीशन खाली है, इधर भी पोजीशन खाली है, यहाँ भी कहीं आर और एस आपके पास हो सकते हैं, मतलब क्या इसकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी बनेंगी यहाँ पर, ठीक है। सो सिर्फ सेकंड से भी मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को जोड़ करके आंसर को निकालता हूँ, इन दैट केस क्या होगा, देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले तो उसने कि एस के ऑपोजिट क्या है, टी है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास एस आएगा यहाँ, ठीक है, यहाँ पर आएगा एस, यहाँ पर आएगा एस, यहाँ पर आएगा एस, ठीक है। और उसने कहा था कि आपके पास जो एस है उसके इमीडिएट नेबर्स कौन है, क्यू और वी हैं, तो ये पॉसिबिलिटी आपके पास गलत हो जाएगी, ठीक है, ये आपके पास सही रहेगी, ये पॉसिबिलिटी आपके पास गलत हो जाएगी, ये भी तब भी सही रहेगी आपके पास पॉसिबिलिटी, ठीक है। सो अगर मैं, अच्छा अब देखिए आपके पास यही दो पॉसिबिलिटीज़ बची ना, इजंट इट, और इन दोनों में अगर मैं देखता हूँ तो क्यू के थर्ड टू द लेफ्ट कौन है, डब्ल्यू है, क्यू के थर्ड टू द लेफ्ट कौन है, डब्ल्यू है, हमें सिर्फ यही तो पता करना था ना, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ते हैं, इन दैट केस मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए
ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, इसको करते हैं देखिए। सबसे पहले उसने ए और एम के बीच में हमसे रिलेशन पूछा है, ए से एम अगर मैं बात करता हूँ तो ए से एम में कैसे जा सकता हूँ, ए से पहले मैं जाऊँगा कहाँ, क्यू, फिर क्यू से मैं कहाँ जाऊँगा एम, जब मैं ए से क्यू जाऊँगा तो इन दैट केस ए इज़ लेस देन क्यू, ठीक है, और क्यू से एम में जाऊँगा तो ए इज़ सॉरी क्यू इज़ लेस देन एम, ये आएगा आपके पास। तो ए से अगर मैं एम के बीच में रिलेशन निकालूंगा क्या मिलेगा मेरे को कि ए इज़ लेस देन एम, ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास, कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। सेकंड, पी और एन के बीच में उससे हमसे रिलेशन पूछा है, पी और एन के बीच में अगर मैं बात करूँ आपसे तो पी से एन में कैसे सकता हूँ, मैं पी से पहले क्यू जाऊँ, ठीक है, क्यू मुझे कहाँ पहुँचा देगा यहाँ, क्यू से मैं डी जा सकता हूँ एंड देन उसके बाद मैं एन जा सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं पी से क्यू की बात करूँ तो क्या मिलेगा रिलेशन, पी इज़ ग्रेटर देन क्यू, फिर क्यू से डी के बीच में क्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डी, फिर डी से एन के बीच में ये क्या है इक्वल टू नहीं है। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना चाहूँ तो कोई भी रिलेशन नहीं आएगा ना, मतलब क्या यहाँ से उसने क्या बोला कि वो इक्वल टू नहीं है, मतलब वो ग्रेटर और लेस देन सिर्फ यही होगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सो देखिए यहाँ पर आपके पास पी और एन के बीच में रिलेशन क्या हो सकता है, ग्रेटर भी लेस भी और इक्वल टू भी हो सकता है, तो इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा आपके पास कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। फिर अगर मैं बी और डब्ल्यू की बात करता हूँ तो बी आपके पास यहाँ पर गिवन है, ठीक है, डब्ल्यू आपके पास यहाँ पर गिवन है, आप बी से डब्ल्यू कैसे जा सकते हैं, क्यू के थ्रू ही जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बी से पहले क्यू जाऊँगा इन दैट केस मुझे क्या मिलेगा कि बी इज़ ग्रेटर देन क्यू, उसके बाद क्यू से अगर मैं डी जाऊँगा तो क्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डी, उसके बाद डी से अगर मैं डब्ल्यू जाऊँगा तो डी इज़ लेस देन डब्ल्यू। तो अगर मैं देखिए बी और डब्ल्यू के बीच में रिलेशन आपके पास कोई निकलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर जो फ्लो है वो एक तरफ नहीं है, ठीक है। सो आई होप जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए आपको समझ में आए होंगे, थैंक यू सो मच।